सीता डे बुक द सेकेंड चैप्टर द मार्च किंग रिटन बाय कैदरीन लिटिल बेकलर्स नो लाइन टू लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लैसन की समरी अलग तो वीडियो दे विच बनाई गई है जिन्हों की तुसी देख के इहदा कंसैप्ट होर ज़्यादा क्लीयर कर सकते हैं। कैदरीन लिटिल बेकलर्स का जन्म December 5, 1895 USA दे विच होया और उन्हां दी डैथ 1992 दे विच हुई और इस समय के दौरान उन्होंने अपने हसबेंड के नाल मिलकर बहुत सारे लिटरेचर नू कंप्लीट किया। इस लैसन दे विच एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो कि बहुत ही छोटी उम्र दे विच अपने कैरियर नू चुन चुकिया सीगा लेकिन कई चीज़ां रुकावटां आईयां और उन्होंने समय समय से उन्होंने चीज़ों नू बदली करना पिया लेकिन पेरेंट्स के कहे ते उन्हें वो गल्लां मनिया जो उन्होंने उन्होंने कही गई और एट लास्ट वो अपने एक अपने प्रोफेशन दे विच एक सक्सेसफुल कैरियर नू एस्टैबलिश करन दे विच वो कामयाब होया। तो अज असी उस लैसन नू लाइन टू लाइन रीड करना। जॉन फिलिप सोसा जो कि मेन करैक्टर है इस लैसन का स्टूड ऑन द कॉर्नर विद हिज मदर वॉचिंग अ परेड पास बाय द यूनाइटेड स्टेट्स मैरन बैंड वॉज रैपिडली कमिंग क्लोजर टू वेयर दे स्टूड। फिलिप जम्प्ड अप एंड डाउन एंड क्राइड एक्साइटेडली लुक ममा देयर इज पापा नाउ। जॉन फिलिप सोसा अपनी माँ के नाल परेड नू देखण वास्ते एक कॉर्नर ते खड़ा सी और उहदे विचों जिहड़ी परेड ने जाना सी उहदा नाम यूनाइटेड स्टेट्स मैरन बैंड सीगा जो कि उन्होंने नज़दीक तो होकर गुजरी और फिलिप ने अगे होकर देखा और माँ नू इशारा करके कहा कि देखो उधर पापा भी है उहदे पापा भी इस परेड दे विच एज अ म्यूजिशियन सीगे मार्चिंग अलोंग इन द ब्रास सैक्शन। मिस्टर सोसा फादर का नाम होर कुछ नहीं इस लैसन दे विच दिता सिर्फ मिस्टर सोसा ही लिखा हुआ एंड ही वॉज लुकड वेरी हैंडसम ही विंकड एज ही वेंट बाय फिलिप्स ग्रिन बैक। विंक मीनस अख दे नाल इशारा किया और फिलिप नू मुस्कुरा के उहदे नज़दीक तो निकल के गुजर के चले गए। फिलिप लव्ड बैंड्स फिलिप नू बैंड्स बहुत अच्छे लगते सी एंड द नेशन्स कैपिटल वॉज अ फाइन प्लेस टू हेयर दैम ड्यूरिंग द अर्ली 1860s और अमेरिका दी जो कैपिटल वाशिंगटन सी वो एक बहुत अच्छी जगह सी उस टाइम 1860s दे विच इन्हां बैंड्स नू सुनन वास्ते। Washington was full of bands and Philip loved them all. Now, with rapture in his eyes, rapture means feeling of happiness, he watched the Marin Band in all its glory and as it disappeared down the street, he vowed to become a musician. और जदों वो मार्च करते हुए परेड करते हुए जो बैंड चला गया तो वो तो इंप्रेस्ड होकर फिलिप जॉन फिलिप सोसा ने अपने आप को एक प्रॉमिस किया दैट ही विल ऑल्सो बिकम अ म्यूजिशियन वो भी बड़ा होकर एक म्यूजिशियन बनेगा। सोन 7 years old फिलिप स्टार्टेड टू अटेंड अ स्कूल ऑफ म्यूजिक इन हिज नेबरहुड। ही लाइक्स ऑल हिज स्टडीज बट ही पर्टिकुलरली इंजॉयड लर्निंग टू प्ले द वायलिन। पढ़ाई के नाल नाल 7 साल की उम्र के ही उन्हें वायलिन सीखना शुरू कर दिता से जिद कि वह बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता सी। इट वॉज नॉट वेरी लोंग बिफोर ही एक्सेल्ड इन प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट फॉर ही वॉज बोथ टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न। दोनों चीज़ा उहदे विच सी टैलेंट भी सीगा और सीखण दी ईगरनैस भी सीगी उत्सुकता भी सी। बट फिलिप डिड नॉट स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग द वायलिन लेकिन सारा टाइम वायलिन नहीं बजांदा सी। ही लव टू प्ले बेसबॉल टू उन्हों बेसबॉल खेलन का भी शौक सीगा एंड दैट इज़ वाई ही गॉट इन टू ट्रबल वन ईवनिंग वैन ही वॉज 11 years old। और 11 साल की उम्र सी जदों उन्हें इन दोनों चीज़ों नू मिक्स करके अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर ली। एवरी ईयर एन ईवनिंग कंसर्ट वॉज गिवन बाय द म्यूजिक स्कूल हर साल म्यूजिक स्कूल वालों एक कंसर्ट एक प्रोग्राम ऑर्गनाइज किया जाता से एंड दिस ईयर फिलिप हैड बीन चूजन टू प्ले अ वायलिन सोलो और इस साल फिलिप नू सिलेक्ट किया गया सी सोलो परफॉर्मेंस वास्ते। फॉर सेवरल मंथ्स ही हैड बीन अर्निंग मनी बाय डायरेक्टिंग अ स्मॉल बैंड सो द थॉट ऑफ प्लेइंग इन द कंसर्ट डिड नॉट मेक हिम द लीस्ट बिट नर्वस। कुछ महीनों तो वो पैसे भी कमाने शुरू कर चुकिया सी एक छोटे जे स्मॉल बैंड नू डायरेक्ट करके इस करके वो इस चीज़ नू बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा सी और बिल्कुल उन्हें नर्वसनैस नहीं सी इस कंसर्ट रिगार्डिंग एंड बिकॉज ही डिड नॉट फील नर्वस ही डिड अ फुलिश थिंग। और क्योंकि उन्हें इस चीज़ नू सीरियसली नहीं लिया इस करके उन्हें एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। ऑन द वेरी डे ऑफ कंसर्ट फिलिप पिच्ड अ गेम ऑफ बेसबॉल। प्रोग्राम वाले दिन भी फिलिप ने बेसबॉल खेली एंड ही वॉज टायर्ड थक चुकिया सी एंड पफिंग बहुत सा चढ़िया सी एग्जॉस्ट हो गया सी एंड ही केम डैशिंग होम एट सपर टाइम शाम के टाइम घर वापस आया। सपर टाइम सपर मीनस हुंदा लास्ट मील ऑफ द डे
वापस जदों आया डर्ट वॉज स्ट्रीक्ड अक्रॉस द मॉइस्ट फोरहेड, पसीने ना भिजे हुए मत्थे ते धूड़ भी बहुत पई हुई सी क्योंकि खेड के आया सी। हिज क्लोथ्स वर डस्टी एंड रिंकल्ड, और उसके कपड़े भी धूड़ ना भरे हुए सिगे और सारे ही रिंकल्ड सड़ियाँ ना भरे हुए सी। आई एम स्टार्व्ड, ही क्राइड एज ही पास द किचन ऑन हिज वे अपस्टेयर, पौड़ियाँ चढ़ते हुए किचन वाल चिल्ला के बोलिया मैनू बहुत भुख लगी है। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। एंड सडनली फिलिप रियलाइज दैट समथिंग वॉज रोंग, फिलिप नू लगा कि कुछ गड़बड़ है। द हाउस वॉज सो क्वाइट दैट ही कुड हीयर द स्लो टिकिंग ऑफ द बिग क्लॉक इन द हॉल, सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हॉल में आ रही थी और कोई आवाज़ घर के नहीं सी। वेयर इज एवरीबडी, ही येल्ड, कितने गए सारे, उन्हें चिल्ला के बोलिया। Puzzled by the silence of the household, Philip ran into the kitchen. Confused hoya hoya kitchen ch daud ke gaya and on the table he found some sandwiches and a note from his mother. Table te sandwich paye si aur maa da likhya hoya ek note. Question kai baar aa janda hai ki sandwich kithe paye si, te you can write the sandwiches were on the table. Aur us note ch ki likhya si, she had been called away very suddenly by the illness of a friend. She would not be back until late evening. किसी सहेली दे बीमार होण ते उहदी मदर नूं जाना पै गया सी और शाम तक शायद जल्दी वापस ना आ सके। फिलिप लुकड एट द क्लॉक, फिलिप ने घड़ी वाल देखिया। ही वुड हैव टू हरी टू गैट टू द कंसर्ट ऑन टाइम, उहनूं अगर कंसर्ट 'च जल्दी पहुँचना है तो उहनूं थोड़ी तेज़ी करनी पएगी। ही वॉश गॉबल्ड अ सैंडविच, गॉबल्ड मीन्स जल्दी जल्दी निकल गया। एंड रैन टू हिज रूम टू ड्रेस, तैयार होने लिए जो रूम च गया। ही लुक फॉर अ शर्ट इन द ड्रॉर, हूँ शर्ट देखने लिए उन्हें ड्रॉर खोली जिथे उहदे साफ कपड़े पए हुंदे सी। वेयर हिज क्लीन लॉन्ड्री वॉज कैप, द ड्रॉर वॉज एम्प्टी, लेकिन ड्रॉर खाली सी। द लॉन्ड्री हैड नॉट येट कम बैक, ओ फिलिप मूड फ्लोरनली, वट शैल आई डू, की करा हूँ। आई कैन नॉट प्ले विदाउट अ क्लीन शर्ट, मैं साफ कपड़ों तो बगैर किवें वायलन प्ले करांगा। सडनली फिलिप रियलाइज दैट ही ऑट टू टैल हिज म्यूजिक टीचर प्रोफेसर स्पूता। नाउ नोट डाउन द नेम ऑफ हिज म्यूजिक टीचर, प्रोफेसर स्पूता दे नाल जो कि उहदे म्यूजिक टीचर सी गल शेयर करनी चाहीदी है। ही रैन ओवर टू द स्कूल एंड ग्रैस्प आउट हिज स्टोरी, और जल्दी जल्दी अपनी गल उन्हें अपने म्यूजिक टीचर दे नाल शेयर की। At first, the professor scowled with concern, but then he said, "That's all right. Run to my house. Tell my wife to give you one of my shirts." पहले तो टीचर नाराज हुआ, लेकिन फिर कहा कि दौड़ के मेरे घर जाओ, मेरी पत्नी मेरी ही कोई शर्ट तानु दे देगी। And Mrs. Asputa, who is Mrs. Asputa? She was the wife of his music teacher. Quickly fetched one of her husband's white shirts, but when Philip put it on, she began to exclaim, "Oh dear gracious!" The shirt was so large that Philip was almost lost in it. Hun shirt inni vaddi si ki Philip almost ode ch gum chukya si, matlab ki ode bilkul bhi fit nahi si. Hastily, Mrs. Asputa found a box of pins. Now, what solution she did? Hun ki kita? Ek pins da box leya. In a twinkling, her nimble fingers pinned enough tucks in the shirt to make it fit Philip. They both heaved a big sigh of relief when the job was finished. Then, free from anxiety, Philip hurried back to the school. Mrs. Asputa ne ek question bhi exam de vich aanda hai ki solution ki labhya. Mrs. Asputa ne pins di help de naal us shirt nu tuck kita, means unu fit kita Philip vaste, aur jadon pura kam khatam hoya te dona ne sukh da saah liya aur Philip hun school wal daud gaya. The concert finally began and soon it was time for Philip's also. He stood up, placed the violin under his chin and raised his bow. With horror, he felt a pin pulling loose in the back of his shirt, but he recalled how many pins had been inserted in the shirt and thought losing one won't matter. Kafi sari shirts pin lagiyan hoyi si shirt de vich te ohnu laga ki shayad agar kite ek adi loose bhi ho jayegi te koi problem nahi. Show shuru ho chukya si, violin unne apni thodi de thalle tika liya. Philip started to play. At first, his right arm moved back and forth, slowly, then more swiftly. पहले हौली हौली उन्हें अपनी arm की movement start की थी और फिर तेज़ हो गई। Before long, the pins that were holding the collar pulled out. Collar ते लगियाँ हुई हैं, pins निकल गई हैं. The loose, large shirt collar began to creep up the back of Philip's head. Then the unruly sleeves grew looser and longer. और जो तो गर्दन दियाँ जो pins निकली हैं, the sleeves लंबियाँ हो गई हैं.
एंड सडनली द शर्ट फैल अवे फ्रॉम हिज नेक, और गर्दन तो नीचे ही शर्ट गिर गई. द ऑडियंस बिगिन टू लाव इन एम्बेरस्ड कन्फ्यूजन. फिलिप फॉरगॉट वट ही वॉज प्लेइंग एंड स्टॉप्ड कंप्लीटली. उस सरकमस्टांसिस दे विच जदों की ऑडियंस ने हंसना शुरू कर दिता, फिलिप भुल ही गया कि वह की बजा रहा सी और अचानक रुकना पिया. द डिजास्टर सो अपसेट हिम दैट ही रश्ड ऑफ द स्टेज एंड सर्व्ड इन द डार्क कॉर्नर इन अ डार्क कॉर्नर फाइटिंग बैक टीयर्स. ही मंबल्ड ग्लूमली मीन सैडली आई विश आई वर डेड. दिल करदा मरी जावा जो हालत हो गई है. एंड रिफ्रेशमेंट्स वॉज सर्व आफ्टर द कंसर्ट बट फिलिप वॉज टू बिजी टू हैव हैनी टू हैव एनी. ही मिंगल्ड विद द क्राउड एज क्विकली एज ही कोड होपिंग टू अवॉयड मिस्टर एस्पूता. रिफ्रेशमेंट मिल रही सी उत्थे, लेकिन हुण वो फेस नहीं करना चाहता सी अपने टीचर नू, अवॉयड करके निकल जाना चाहता सी. आफ्टर अ विस्टफुल लुक एट द आइसक्रीम, दिल करता सेगा खाण नू, फिलिप वॉज अबाउट टू सिंग स्लिंक आउट वेन अ ब्रूमिंग वॉइस बिहाइंड हिम स्कॉफ्ड, वेल फिलिप यू मेड अ नाइस मेस ऑफ इट. फिलिप टर्न एंड फाउंड हिम सेल्फ फेस टू फेस विद हिज ग्लोरिंग टीचर. जिस चीज़ नू वो नहीं चाहता सी वो ही होया. एंड विद नो सिंपथी फॉर पुअर फिलिप, हमदर्दी कोई नहीं सी. मिस्टर स्पूता कंटिन्यूड अनरीजनेबली, नो रिफ्रेशमेंट्स फॉर यू, यू शुड नॉट हैव स्पेंड द डे प्लेइंग बॉल, यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द इवनिंग, यू ऑट टू बी अशेम्ड. टीचर ने उन्होंने डांटिया उस चीज़ के लिए जो गलती उन्हें अज की सी. फिलिप हंग हिज हेड, साइड हैविली एंड ट्रस्ड होम. द इंसीडेंट लेफ्ट सच एन इंप्रेशन ऑन हिम दैट ही ऑलवेज रिमेंबर्ड हिट. जो भी कुछ होया उन्हें हमेशा याद रहेगा. ही नेवर अगेन ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले. दिस इज द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी शुड नॉट मिक्स आवर वर्क एंड प्ले. सानू अपने काम और साड़ी खेडन नू दोनों नू मिक्स नहीं करना. यही इस लेसन का थीम भी है, एक वन ऑफ द थीम्स. बहुत सारे चीज़ा ये आ जाए जिद एक ए भी चीज़ है जो असी ध्यान नाल इस चीज़ नू समझना.